बिहार में अगले सप्ताह विपक्षी दलों की बैठक होनी है। वहीं बैठक से पहले बिहार की राजनीति गर्मा गई है। नीतीश कुमार के भरोसेमंद साथी कहे जाने वाले जीतनराम मांझी ने अपने उनसे अपना नाता तोड़ लिया है। इसके बाद अब सोमवार यानी आज हम पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक के बाद जीतनराम मांझी दिल्ली रवाना होंगे। बिहार में अगले सप्ताह विपक्षी दलों की बैठक की जाएगी। वहीं बैठक से पहले बिहार की राजनीति गर्मा गई है। नीतीश कुमार के भरोसेमंद साथी कहे जाने वाले जीतनराम मांझी ने अब उनसे अपना नाता तोड़ लिया है। इसको लेकर राजनीतिक गलियारे गर्म है। इसके बाद अब सोमवार यानी आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक के बाद मांझी दिल्ली रवाना होंगे। वहीं हम की बैठक में तय किया जाएगा कि आने वाले समय में किस पार्टी से गठबंधन किया जाए। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव की रणनीति पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशफेल रस, ये एक ही बॉटल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, एबिसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल, एशफेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। ये बैठक हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के केंद्रीय कार्यालय और जीतनराम मांझी के आवास पर की जाएगी। इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन समेत पार्टी के सभी पदाधिकारी शामिल होंगे। आपको बताते चले कि बिहार विधानसभा में हम एस के 4 विधायक हैं, जबकि बिहार विधान परिषद में पार्टी का महज 1 सदस्य है। संतोष सुमन के इस्तीफे के 1 दिन बाद नीतीश कुमार ने मांझी पर भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाने के लिए महागठबंधन के सहयोगी की जासूसी करने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि संतोष सुमन का मंत्रिमंडल से बाहर निकालना अच्छा था, क्योंकि कहीं ना कहीं जीतनराम मांझी महागठबंधन के साथ रहकर महागठबंधन के अंदर की सारी बात जाकर बीजेपी वाले को बताते थे। आपको बता दें कि 23 जून को विपक्षी एकजुटता की बैठक पटना में होनी है। ठीक उसके 10 दिन पहले जीतनराम मांझी ने संतोष सुमन से इस्तीफा दिलवा दिया। उनके इस्तीफा दिलवाने के बाद नीतीश कुमार ने उन्हीं के कोटे के एक विधायक को मंत्री बना दिया है, जिसको लेकर नीतीश कुमार की भी ये हो रही है कि उन्होंने छोटे दल के लोगों को आगे बढ़ाया है। तो वही बता दें कि आज हम की बैठक होनी है और उसके लिए जीतनराम मांझी दिल्ली जा रहे हैं। बता दें कि जीतनराम मांझी कुछ महीने पूर्व भी दिल्ली पहुंचे थे। वहां जाकर अमित शाह से मुलाकात की थी। अमित शाह के मुलाकात के बाद ये बिहार की राजनीति में ये कयास लगाए जा रहे थे कि शायद सत्ता परिवर्तन आए, शायद जीतनराम मांझी महागठबंधन को छोड़ दे, शायद इस्तीफा भी दिलवा सकते हैं। कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन देखा जाए तो ये बातें सच निकली, क्योंकि जीतनराम मांझी ने अपने बेटे से इस्तीफा दिलवा दिया है। आपको बता दें कि आप इस्तीफा दिलवाने के बाद एक बार फिर जीतनराम मांझी दिल्ली जा रहे हैं। वहां जा रहे हैं तो कुछ बड़ा खेला भी हो सकता है। क्या ऐसा लगता है कि वो दिल्ली जाकर महागठबंधन को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाएंगे? हालांकि ये तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने आरोप लगाया है कि जीतनराम मांझी महागठबंधन की सारी बात जाके बीजेपी वाले को बता देते थे। तो कहीं ना कहीं अगर जीतनराम मांझी बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो बीजेपी को एक बड़ा पक्ष मिल जाएगा, बिहार से एक बड़ी मिल जाएगी, क्योंकि जीतनराम मांझी महागठबंधन से, जैसे महागठबंधन से तमाम नीतीश कुमार के तमाम बड़े बड़े साथी जो उनके कभी साथ हुआ करते थे, उन्होंने भी नीतीश कुमार का साथ छोड़ दिया है। हालांकि अब मांझी ये तो कह रहे हैं कि वो महागठबंधन को नहीं छोड़ेंगे, सिर्फ बेटे को इस्तीफा दिलवाया है, लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि क्या वाकई जीतनराम मांझी महागठबंधन को छोड़ते हैं, क्या वो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। आगे देखिए उस पर क्या होता है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें NBC 24 पर।